सेवन वंडर्स जो सात अजूबे होते हैं, वैसे सात अजूबे महाराष्ट्र के भी है, उसमें से एक अजूबा है वो मुंबई के गोराई बीच में है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जब वहाँ पे पहुँचूंगा तभी। तो फिलहाल अभी निकलने का टाइम हो गया है, काफ़ी 12:30 बज गए, यहाँ से निकलूंगा, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपके साथ वो सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। क्या सूरज, बाकी सूरज के साथ मैंने आज प्लान किया था लेकिन सूरज अपनी शादी के साथ बिजी है। सूरज जरा आपने शादी होने वाली है, शादी की भी वीडियो मैं शेयर करूँगा बाद में जब हम लोग जाएंगे तब, अभी फिलहाल तैयारी कर ले। तो निकलते हैं, फिलहाल निकलने का टाइम हो गया है। आज वापस से मैं अपने वाइफ को और बच्चे को लेके जा रहा हूँ, वो लोग भी रेडी है और वेट कर रहे हैं। चले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो एंड तक देखो और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे सेम आईडी पे। आज आपको मैं एकदम सेवन वंडर में का जो महाराष्ट्र में है उसमें से एक वंडर में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और कितना असमली वो बिल्ड किया हुआ है, उसको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, जो कि सबसे अच्छी बात है। वो एक बोलते हैं ना, एक रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफस्टाइल के बारे में। इसके लिए शायद वो मुंबई में एकदम बीचों बीच में बनाया गया है कि आप भी उसे आए, उसको एक्सप्लोर करें, उसके अंदर की जो खूबियाँ है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी वैल्यू है, वो सब चीज़ आप उसको सीखें और अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करें। तो एक बार वहाँ पे पहुँचूंगा ना तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो सब सारी चीज़ क्या है और कैसी है। तो फाइनली अब जाके पहुँचे हम लोग सेवेंथ वंडर, मतलब सात अजूबा जो महाराष्ट्र का है वो मुंबई में। तो फिलहाल ये है विपासना, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया हुआ था। इसका इसमें तीन डोम है, एक मेन डोम है जिसमें सिर्फ जो उसके स्टूडेंट हैं उनको ही एंट्री है। इसका जो कैपेसिटी है ना, एक टाइम पे उनका कम से कम 8,000 पीपल मेडिटेशन कर सकते हैं। बेसिकली लिविंग ऑफ लाइफ कैसे जीना है, कैसे फिर वो आपको पीसफुली आपका लाइफ जो है एंड तक गुजारना है, कैसे मेडिटेशन करना है, क्या मेडिटेशन स्टेप्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। 10 डेज का लेक्चर होता है जो आपको सब कुछ बाहर छोड़ के आना पड़ता है, 10 डेज यहाँ पे लेना पड़ता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें बहुत बोलते हैं मुंबई एक क्राउडेड प्लेस है, उसके बीचों बीच स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा पीस से ये मेडिटेशन करना है तो यहाँ पे आके आप पीस ले सकते हो, वो लेक्चर ले सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और इसके जो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको एक अवार्ड भी मिला है, तो वो भी इसको देख के ही अवार्ड दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा चीज़ है स्टार्ट किया। तो अभी की प्रॉब्लम क्या है कि शायद अंदर एंट्री दे देंगे, कैमरा कैसा लग रहा है मुझे, जाके अंदर देखते हैं। अभी फिलहाल तो बाहर ही, अभी अंदर जाके फिर आपके साथ तो सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर मैं करता हूँ आपके साथ तो शेयर करता हूँ। जैसे बोला था ना, एक प्रॉब्लम है, मोबाइल अलाउ है कि नहीं, सॉरी कैमरा अलाउ है कि नहीं, एक्चुअली नहीं है। तो मैंने दोनों, मतलब आज वीकेंड है, कुछ बड़ा लेक्चर चल रहा है ऐसा वो बोल रहे हैं, जिसके वजह से आज कैमरा अलाउ नहीं किया उन्होंने। सारा बैटरी और जितने भी कैमरा लोग लेके आ रहे हैं उनकी बैटरी वो जमा कर रहे हैं, कल अगर आता तो परमिशन दे सकते, ऐसे मुझे बोल रहा वो। ठीक है, अपने पास मोबाइल है, मोबाइल जिंदाबाद, मोबाइल से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो डोम है, ये डोम में 8,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 10 डेज 20 डेज का लेक्चर होता है, जिसमें आपको सिखाते हैं पूरा कोर्स मेडिटेशन का और अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है उसके बारे में जो लेक्चर होता है। तो वो अगर आप एडमिशन लेते हो उनको स्टे करने के लिए जो प्लेस होता है, मेरे पीछे आप देख रहे हो,
ये वहाँ पे वो स्टे करते 10-20 डेज के लिए, जहाँ पे आपको मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, जो बैग, मतलब जो भी आपको सोशल मीडिया, वो सारे चीज़ आपको वो टाइम तक वहाँ पे आपको नहीं यूज़ करने को मिलता है। प्रॉपर पूरा कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे करने को मिलता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यहाँ पे पब्लिक आ रही है, थोड़ा टाइम पास कर रही है। जो ये जो स्टैचू आपको दिख रही है, सिंगल मार्बल की स्टैचू है, उसके ऊपर बेल लगा हुआ है अच्छा खासा, और उसका जो नॉइज़ है ना, जैसे आप बेल बजाते हो तो बेल का जो वाइब्रेशन है एकदम अलग आ रहा है। देखो आपको सुनाई देता होगा, लोग बजा रहे तो आपको भी सुनाई देता होगा। और ये डोम का जो मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट डोम है ये, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम बोलते हैं इसको, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको ये वाली, वो डोम को ना बीच में कोई सपोर्टिव पिलर नहीं है, और सब बाजू बाजू में सपोर्टिव पिलर एक भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, और सब बाजू बाजू में है। और उसमें एक साथ 8,000 लोग मेडिटेट कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी है उस डोम की। वहाँ पे शायद हमें एंट्री नहीं है क्योंकि हम उसके स्टूडेंट नहीं है। इसके लिए जा तुझे आने तो जा। तो ये डोम का बेल है जो बेबी अभी बजाने रहे, थोड़ी देर में लाइन लगी हुई मेरे पीछे, सब वन बाई वन बजा रहे, फोटो खींच रहे, और मैं भी थोड़ी देर के बाद बजाऊंगा और इसे एक्सपीरियंस लूंगा कैसे। ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं सारे के सारे सोलर पैनल लगे हुए, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये सारे डोम को। ये एक अच्छा बात है कि आप जितना नेचुरल कंजम्पशन करोगे उतना आप फ्यूल बचाओगे, तो वो एक अच्छा इन्होंने पॉइंट रखा है कि चला कि सोलर एनर्जी यूज़ करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए। फिलहाल अभी मैं डोम, जो मेन डोम है, वो डोम के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ, तो मैं उसको आपको क्लोजर लुक दिखाना चाहता हूँ, कितना ऑसम दिख रहा है ये। जितनी नज़दीक आ रहा हो ना उतना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है, पता नहीं काय की लाइन है, पूछना पड़ेगा। इसमें चार मूर्ति रखी हुई है, एक आकाश देवता और आकाश देवती देव देवी करके, और इसमें जो लाइन लिखा हुआ है इतना ऑसम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इतनी ललित लाला देवलोक के देवगण करते सतत प्रणाम। डोम के अंदर ही अगर आप थक रहे हो तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी जगह है, जहाँ पे इन्होंने फूड कोर्ट वगैरह सब अच्छे से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे फूड दे रहे हैं, जूस, मैंने तो अभी लाइन सोडा बोला, बिरयानी है, और काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आप रिलैक्स करके, रेस्ट करके कुछ खा सकते हो, फिर और बाद में वापस आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं आपको चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना था कि जो भी ये पागोडा का इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो कोई भी मतलब सोलार पे चलता है, कोई भी ऐसा प्रॉपर MSEB या इलेक्ट्रिसिटी ऐसा डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, फ्यूल से डायरेक्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी फिलहाल वाइट बहुत थोड़ा गर्मी हो गया। हाँ रे, इसको आइसिंग की ज़रूरत है। हाँ वेट, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफी गर्म हो रहा है बाहर, तो यहाँ पे आराम आराम से खाना और फिर घूमना। ये एक्चुअली वही मेन डोम के बाजू में है, बहुत टैन हो गया इधर आके, तो मेन डोम के बाजू में है गार्डन। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैं जैसे आपको बताया था, यहाँ पे खाने के लिए ऑप्शंस है, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए ऑप्शन है, बच्चों लोग को खिलाने के लिए ऑप्शन है। तो कैसे अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो बच्चों लोग को भी इरिटेट नहीं होगा, उन लोग भी अपना मजा कर सकते हैं और खेल के रेस्ट करके आराम से घर पे जा सकते हैं। तो फिलहाल ये वही गार्डन है मेन डोम के, यहाँ पे इसके बाजू में भी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने लायक है। मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा और फिर उसके बाद निकलूँगा, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो रहा है। इसको एक्चुअली वन डे का पिकनिक के हिसाब से आप आ सकते हो, फुल डे जल्द मॉर्निंग में जल्दी आके इवनिंग तक जा सकते हो। इवनिंग 6 o'clock को ये बंद होता है, तो उसके पहले आपको निकलना पड़ेगा। काफी एक्सप्लोर ये जगह पागोड़ा घर के नाम है गोराई मुंबई में, काफी अच्छा चीज है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो इसमें एडमिशन लेके 10 डेज का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, 10 डेज आपको स्टे, और उसमें पूरा लेक्चर देंगे, कैसे सिखाएंगे, मेडिटेशन कैसे होता है, और काफी अच्छा यहाँ पे आपको फील होगा। तो बेसिकली अभी मैंने काफी एक्सप्लोर कर लिया है, अभी निकलने का टाइम हो रहा है मेरा, तो फिर मैं यहाँ पे से निकलूंगा, और शाम को हमारा अलग फंक्शन है तो वो अटेंड करूंगा। तो आपको सिर्फ इतना बोलना था,
कि अगर आपको इतने मुंबई में भीड़ भाड़ में अगर आपको एकदम स्ट्रेस आउट हो गए तो मेंटल पीस चाहिए, 10 डेज निकल गए, यहाँ पे आओ, एडमिशन लो और अच्छा अपने आप को अच्छा फील कराओ और एकदम बोलते हैं ना मेंटल पीस रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलना।